चार सौ चार सौ चार सौ जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर क्योंकि आप, चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स का आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा सेव कर और चैट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस आपको बस फोटो खींचनी है उसे क्रॉप करना है और पांच सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा क्लास छह से बारह आई टी जे नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाइए और आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर अपना सवाल WhatsApp कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है नमस्कार विद्यार्थियों कैसे हैं आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस जाट पर आपका स्वागत है विद्यार्थियों आज की जो मैं क्लास हैं वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा आठ के अंतर्गत कार्यपत्रक उनतीस आज की क्लास में हम कार्यपत्रक उनतीस कॉल करेंगे जो पेज नंबर तैयलीस पर है आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रक उनतीस इसमें दक्षता समतुल्य भिन्न की समझ बना सकें विद्यार्थियों आज की क्लास में हम समतुल्य भिन्न की समझ बनाना सीखेंगे समझेंगे उसका अभ्यास करेंगे पहला सवाल है नीचे दिए गए चित्र में एक बटा तीन की तुल्य बिन्न पर सही का निशान लगाएं तो विद्यार्थी तो इनमें एक बटा तीन की जो तुल्य भिन्न हो उस पर हम सही का निशान लगाएंगे ये देखिए एक बटा चार है यहाँ पे कितनी है एक बटा चार चार में से एक भाग चाहेंगे यानी एक बटा चार ये इसकी तुल्य भिन्न नहीं है ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः छः में से दो भाग चाहेंगे इसकी बिने दो बटा छः दोनों में दो का भाग दो एक कम दो दो तिया छः यानी एक बटा तीन ये इसकी तुल्य बिन है तो हम यहाँ इसको राइट लगाएंगे ये देखिए ये भी इसकी तुल्य बिना नहीं है एक दो तीन चार आठ बारह सोलह सोलह में से एक भाग चाहेंगे यानी एक बटा सोलह ये भी इसकी तुल्य भिन नहीं है और ये देखिए तीन बटा सोलह ये भी इसके तुल्य भिन् नहीं है यानी एक बटा तीन की तुल्य भिन्न कौन सी है दो बटा छ देखिए एक दो तीन भाग है तीन में से देखिए दो भाग जैसे एक भाग छाएंगे थे तीसरा हिस्सा यानी एक बटा तीन की तुल्य भिन्न है दो बटा छः इस पे हमने सही का निशान लगाया अगला जो सवाल है दूसरा दो, दो बटा तीन की तुल्य भिन्न पर गोल घेरा बनाएं दो बटा तीन की जो तुल्य भिन्न है इनमें से उन उनपे हम गोल घेरा बनाएंगे देखिए तीन बटा दो एक बटा तीन चार बटा छः अंश और को हम दो से गुणा करते हैं, दो दून चार तीन दून छः ये इसकी तुल्य भिन्न है इस पर हम ग्यारह बनाएंगे एक बटा छः नहीं है तीन बटा नौ अंश और को तीन से गुणा किया दो तीन छः तीन तीन नौ ये भी इसकी तुल्य भिन्न है इस पर भी हम गोला लगाएंगे अगले देखिए आठ बटा बारह तीन अंश और हर को चार से चार से गुणा किया तो यानी दो को चार से दो चौके आठ तीन को चार से तीन चौके बारह यानी आठ बटा बारह ये भी इसकी तुल्य बीन है और ये ग्यारह बटा बारह ये नहीं है यानी दो बटा तीन की तुल्य बीन कौन सी है इनमें से चार बटा छः छः बटा नौ और आठ बटा बारह ये इसकी तुल्य बीन है चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर तीन नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखे हैं। जो भिन्न दे रखी है हमें इनकी तुल्य भिन्न लिखनी है कै एक बटा तीन अब इसके तुल्य भिन्न देखिए अंश में छ एक को छह से गुणा किया छ हो गया तो तीन को भी छ से गुणा करना पड़ेगा तीन चंग अठारह तो यहां लिखेंगे हम अठारह इसी प्रकार से हर में बारह है तीन का गुणा चार से किया तीन चौक बारह इसका भी चार से गुणा करना पड़ेगा एक का गुणा चार से करेंगे तो यहाँ आएगा आपके चार चार बटा बारह बारह अंश में एक का गुना बारह से किया तो बारह आया तो तीन का गुना बारह से करेंगे भारतीय छत्तीस यानी बारह बटा छत्तीस इसी प्रकार से नीचे चौबीस है तीनों बटा चौबीस आठ से गुना किया तो एक का गुना भी आठ से करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा आपके आठ आठ बटा चौबीस तो ये इसकी तुल्य भी है हम इसकी और भी तुल्य भी ज्ञात कर सकते हैं और अंश और हर को दो से गुणा करें एक का गुणा दो से करेंगे दो आएगा तीन का गुणा दो से करेंगे तीन दुनी छः दो बटा छः इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी तीन से गुणा करेंगे हम एक का गुणा तीन से करेंगे तीन तीन का गुणा तीन से करेंगे तीन तिया नौ तीन बटा नौ ये भी इसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी और जैसे चार से यहाँ गुणा कर रखा है पाँच से गुणा कर लें हम अंश का गुणा पाँच से करेंगे पाँच एकम पाँच हर का गुणा पाँच से करेंगे पाँच तिया पंद्रह यानी पाँच बटा पंद्रह छः से गुणा कर रखा है सात से गुणा कर लें अंश का गुणा सात से करें सात एकम सात तीन का गुणा सात से करेंगे तीनों सत्ता इक्कीस सात बटा इक्कीस ये भी इसकी तुल्य भिन है ख है एक बटा पाँच इसकी तुल्य बिना ज्ञात करनी है एक का गुणा तीन से ज्ञात तीन आया तो पाँच का गुणा तीन से करें पाँच थे आप पंद्रह यहाँ आएगा पंद्रह तीन बटा पंद्रह छः एक गुणा पांच का गुणा छः से किया छः पाँच का गुना छः से करेंगे पाँच छंग तीस छः बटा तीस ये भी इसकी तुल्य भिन हो जाएगी चालीस का गुना आठ से किया पाँचवा बटा चालीस एक का गुना भी आठ से करेंगे आठ एक आठ आठ बटा चालीस का गुना ग्यारह से किया ग्यारह पंच पचपन एक का गुना भी ग्यारह से करेंगे ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह बटा पचपन अब हम और भी ज्ञात करें जैसे अंश और अगर को हम दो से गुना करें अंश का गुना दो से किया दो पाँचवा गुना दो से किया दस दो बटा दस ये भी इसकी तुल्य भिन्न होगी तीन से गुणा करके चार से गुणा कर ले हम एक का गुणा चार से करेंगे चार हम चार पाँच का गुणा चार से करें पाँच सौ बीस चार बटा बीस इसी प्रकार से छः से गुणा करके सात से गुणा कर ले हम एक का गुणा सात से करेंगे सात हम सात पाँच का गुणा सात से करेंगे पाँच सौ सतह पैंतीस सात बटा पैंतीस ये बीस की तुल्य भिन्न होगी और हम आठ से गुणा करके नौ से गुणा कर लें एक का गुणा नौ से करेंगे नौ एकम नौ पाँच का गुणा नौ से करेंगे नौ पची पैंतालीस यानी नौ बटा पैंतालीस ये भी इसकी तुल्य बिने होगी यानी ये सारी इसकी एक बटा पाँच की तुल्य बिना है अगला सवाल है चौथा तुल्य बिन है या नहीं बराबर का प्रयोग करें तो विद्यार्थी तुल्य बिनय हो तो हमें वहाँ बराबर का प्रयोग करना है ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ में से कितने दो यानी दो बटा आठ इसकी बिन्य होगी यहाँ देखिए कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह में से एक दो तीन चार यानी चार बटा सोलह दो बटा आठ ये हैं चार बटा सोलह देखिए इसको दो से गुणा कर रखा है तो कितना हो जाएगा अंश और हर को दो से गुणा करें दो दूरी चार और आठ दूनी सोलह यानी चार बटा सोलह आएगा ये दोनों इसकी तुल्य बिने हैं ये हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे कि ये तुल्य बिना है तुल्य बीनय बराबर होती है आपस में अगला ख है इसमें देखिए ये कितने एक दो तीन चार पाँच दस पंद्रह बीस बीस में से एक दो तीन चार पाँच छः छः बटा बीस और ये देखिए दो में से एक एक बटा दो देखिए यहाँ ये तुल्य भिन्ना नहीं है अगला है इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ में से एक दो तीन चार यानी चार बटा आठ और ये चार में से एक यानी एक बटा चार ये भी यहाँ तुल्य भिन्ना नहीं है यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ में से दो दो बटा आठ और ये देखिए ये कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह में से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यानी आठ बटा सोलह अब यहाँ देखिए दो का गुना चार से करेंगे तो कितना हो जाएगा दो चौके आठ और आठ का गुणा भी चार से आठ चौक बत्तीस यानी ये इसकी तुल्य भिन्न नहीं है इन चारों में से केवल ये क वाली है जो आपस में दोनों तुल्य भिन्न है बाकी कोई सी भी तुल्य भिन्न नहीं है चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं अगला जो सवाल है सवाल नंबर पांच समूह के सबसे बड़े भिन्न पर सही का चिन्ह लगाए इस समूह में देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी यहाँ देखिए ये वाली इन तीनों में से ये सबसे बड़ी भिन्न होगी तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे ये है एक बटा दो ये है तीन बटा चार और ये एक बटा चार अगला है सवाल नंबर छः समूह की बड़ी भिन्न पर गोल घेरा बनाए समूह में जो बड़ी भिन्न हो उस पर हम गोल घेरा बनाएंगे यहाँ देखिए एक बटा चार और ये तीन बटा चार बड़ी कौन सी होगी तीन बटा चार इस पर हम गोल घेरा बनाएंगे पांच बटा पांच और दो बटा पांच इनमें से बड़ी कौन सी होगी पांच बटा पांच पांच बटा तीन और आठ बटा तीन इनमें से आठ बटा तीन बड़ी होगी दो बटा तीन और तीन बटा चार अब यहाँ इसमें आप ध्यान रखिए अब हमें क्या करना है इसका गुना इससे करना है चार का गुना दो से चार दूनी आठ तीन का गुना तीन से तीन तीन नौ तो इधर देखिए कम आया इधर ज़्यादा आयानी ये भिन्न बड़ी होगी इसी प्रकार से इसमें भी देखना है आठ बटा छः और नौ बटा सात इनमें से बड़ी कौन सी होगी हम क्या करेंगे ये इसका गुणा करके यहाँ रखेंगे सातों अटा छप्पन और छः नम चौवन छः नम चौवन ऊपर वाले में रखना है सातों अट्ठा छप्पन देखिए यहाँ छप्पन आया यहाँ चौवन आया तो बड़ी कौन सी होगी छप्पन वाली ये भिन्न बड़ी होगी आठ बटा छः भिन्न इससे बड़ी होगी चलिए विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर सात भिन्नों में परस्पर तुलना करके बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं इनमें से जो कुला मुँह हो उस तरफ बड़ी संख्या होगी जिस तरह बंद हो बंद मुँह हो उस तरफ संख्या छोटी होगी तो विद्यार्थी हमें तुलना करके ये चिन्ह लगाने हैं कह देखिए है, चार बटा छः और ये तीन बटा छः ये भिन्न बड़ी है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे ख में देखिए छः बटा पाँच और एक से एक बटा पाँच इसे हल करेंगे पाँच एकम पाँच और ये एक जोड़ेंगे छः छः बटा पाँच छः बटा पाँच छः बटा पाँच दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे ग है चार बटा पाँच और दो बटा पाँच तो इनमें बड़ी कौन सी है ये चार बटा पाँच बड़ी है तो अभी यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा ग है इक्कीस बटा बारह और यहाँ अट्ठाईस बटा सोलह यहाँ भी ने हम काट के सर्ल कर लेंगे से दोनों में तीन का भाग जा रहा है तीनों सत्ता इक्कीस और तीन चौक बारह यानी सात बटा चार और इस तरफ देखिए दोनों में किसका भाग जा रहा है चार का चारों सत्ता अट्ठाईस और चार चौक सोलह सात बटा चार सात बटा चार दोनों तरफ क्या हो गई बराबर तो यह हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे अगला है अंग तीन बटा छः और यह चार बटा छः कौन सी बड़ी है ये वाली भिन्न बड़ी है ये तो वा ये वाला चिन्ह लगाएंगे च है तीन बटा चार और एक बटा दो अब यहाँ देखिए दोनों में से कौन सी बड़ी होगी या तीन बटा चार बड़ी होगी तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे देखिए हम गुणा करके कर सकते हैं दो का गुणा तीन से क्या दो तीन छः और इधर चार एकम चार तो कौन सी ये वाली बड़ी है यानी तीन बटा चार इससे बड़ी होगी छः है दो तो बटा पाँच और चार बटा पाँच इन दोनों में बड़ी कौन सी है चार बटा पांच ये वाला चिन्ह लगाएंगे अगला है ज नौ बटा दो और सत्ताइस बटा छ ठीक है विद्यार्थियों अब इन दोनों में देख तीन का भाग जा रहा है तीन नम सत्ताईस तीन दोनों छि नौ बटा दो नौ बटा दो नौ बटा दो दोनों क्या हो गई बराबर तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे ठीक है विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक उनतीस हल किया आप भी इस कार्यपत्र को समझ करके हल कीजिए विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बायसल जाट को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू